हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ इस चैनल का और एक छोटू सा ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों अभी थोड़ा जा रहा हूँ सब्जी वाला मार्केट में कुछ खरीदने के लिए और मेरे पास मेरा बाइक नहीं है, तो इसलिए जो दोस्त है उस दोस्त का ही जो बाइक है बाइक लेने के लिए आया हूँ। और तो चलो जाते हैं मार्केट पर और जाने के बाद दोस्तों दिखाते हैं कि वो वाला जो मार्केट है वो मार्केट कैसा है। और देख सकते हो मैं फिलहाल अभी जो मेरा हम लोगों का रास्ता है और रास्ते पर हूँ, तो चलो निकलते हैं। तो दोस्तों फाइनल आ चुका हूँ सब्ज़ी वाला मार्केट पे, लेकिन दोस्तों मुझे सब्ज़ी नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए वो है चिकन और मछली। तो सबसे पहले मछली नहीं, सबसे पहले जो लेना पड़ेगा वो है चिकन। तो चलो मैं उल्टा जा रहा था तो इस तरफ जो चिकन वाला दुकान है वो इस तरफ रहता है। और दोस्तों मेरे फ़ोन के बारे में क्या बताऊँ, मेरा फ़ोन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, लेकिन फिर भी जो ब्लॉग है वो ब्लॉग मैं बनाता रहूँगा। और ये देखो जो चिकन वाला भैया है वो इधर बैठ कर चिकन बेच रहा है, तो मैंने यहाँ पर बोल दिया है कि मुझे 1 किलो चिकन चाहिए और 1 किलो का जो प्राइस है वो है 200 रुपया। और ये देखो जो काम पर लग भी चुका है और मैं यहाँ पर बैठ बैठ के जो वीडियो है वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और मेरा फ़ोन का जो फ्लिप कवर है वो नीचे से आप लोग देख सकते हो, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पर जो वीडियो है वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जो वॉइस ओवर भी दे रहा हूँ। और इसके बाद दोस्तों उनके साथ बातचीत भी कर रहा हूँ कि कितना चाहिए, और पास से कोई बोल रहा है कि मुझे 100 लीटर चाहिए और मैं बोल दिया था कि मुझे थोड़ा 8 देख के देना। दोस्तों ये जो चिकन बेचने वाला भैया है वही यहाँ से जो रेडी है छोटा छोटा पीस करके जो दे है वो दे रहा है। और इसके बाद दोस्तों आप लोग देख लेना छोटा सा एक जो पन्नी है वो पन्नी के अंदर ये जो चिकन है चिकन डाल के देगा। और इसका जो टोटल प्राइस हुआ है वो है 200 रुपया। तो देखो मेरे हाथ में बैग है, तो इस बैग में दोस्तों देखो डाल दिया है और जो 200 रुपया है वो 200 रुपया मैं उनको दे चुका हूँ। और इस तरफ मत देखना क्योंकि उस तरफ ना खाने वाला चिकन का ही जो सारा सामान वो पड़ा हुआ है। और ये देखो ये मैं अभी जा रहा हूँ, और दोस्तों क्या बताऊँ बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ चुका है और अब मैं जा रहा हूँ जो मछली वाला मार्केट है वो मछली वाला मार्केट के लिए। तो यहाँ पर जाके देखो दोस्त देख लेना क्या इस यहाँ पर कितना सारा मछली मिलता है, लेकिन वो मछली मार्केट उतना भी बड़ा नहीं है। तो आप लोग यहाँ पर देख लो, मैं यहाँ पर जो कैमरा है वो कैमरा थोड़ा अलग कर चुका हूँ। दोस्तों ये यहाँ पर देखो खेल हो चुका है, ये जो मछली है ना ये मछली भाभी जी को लेना था, लेकिन दोस्तों जो प्राइस है वो प्राइस थोड़ा सा बढ़ चुका था, तो इसलिए ये जो मछली वाले भैया है मछली बेचने वाला भैया है तो भैया ने नहीं दिया है, क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा जो प्राइस है प्राइस घट चुका था। तो दोस्तों देखो ये वाला जो मछली है ये मैंने लिया है, जो अभी तोल रहा है इसको मैंने लिया है। देखो कितना बड़ा वो दे रहा है, क्या बोलते हैं जो मछली का मथा होता है वो दे रहा है। तो मैंने बोला था कि इतना बड़ा जो ये शेर नहीं चाहिए, तो फिर भी इसने दे दिया है। और इसके बाद दोस्तों देखो ये जो उसका ऊपर का जो आँच होता है दोस्तों वही लोहे के जो रॉड है उससे वो खोद खोद के उठा रहा है। और इसके बाद दोस्तों ये जो भैया है ये भैया इसको सही से काट के दे देने वाला है। तो आप लोग देख लेना, देखो दोस्तों एक लोहे का जो क्या है इसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, और हिंदी में क्या बोलते हो तो मुझे एकदम से पता नहीं है। तो आप लोग यहाँ पर देख लो कि मांस के ऊपर जो आँच रहता है ना, मछली के ऊपर जो आँच रहता है वही यहाँ से निकल रहा है। और आप लोग यहाँ पर देख लो कितना सारा मछली है। और आगे भी दोस्तों देखो बहुत सारा दुकान है, लेकिन क्या बताऊँ इतना ज़्यादा गर्मी पड़ चुका था तो मैं यहाँ से यह जो दुकान है इस दुकान से मैंने ले लिया था। और ये देखो जो मछली वो मछली भी काट रहा है, लेकिन दोस्तों मैं क्या बताऊँ जब जेब में थोड़ा पैसा हो जाएगा तो मैं जो मछली है वो मछली खरीद के भी दिखाऊँगा, एक पूरा का पूरा जो मछली है वो मछली खरीद के भी दिखाऊँगा, जब कटेगा वो भी दिखाऊँगा। लेकिन दोस्तों क्या बता अब ये थोड़ा थोड़ा करके आप लोग देख लो। और सबसे दोस्तों जो प्रॉब्लम कर रहा है वो है फ़ोन का कैमरा, वो सही से साथ नहीं दे रहा है, क्या बताऊँ। हाँ अभी तो देख चुका हूँ, खाने के समय नहीं दिखा था, लेकिन जब वॉइस ओवर देकर दे रहा हूँ तो मैंने देख लिया है कि। और दोस्तों मैं क्या देखा हूँ वही सबसे पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये आप लोग देख लेना। डाना से कुछ पीछे फेंकेगा, देखो ये काट रहा है, और काटने के बाद दोस्तों देखो ये पीछे जा रहा है। दोस्तों ये है मछली का तेल, और ये दोस्तों बैंगन के साथ अगर आप लोग इसको फ्राई करोगे और फ्राई करके दोस्तों चावल के साथ खाओगे तो खाने में दोस्तों अलग ही स्वाद आता है। तो क्या बताओ जो मछली बेचने वाला भैया है बुरबक भैया, वो भैया ने वो पीछे फेंक दिया था, वो अगर इसके साथ दे देता तो बैंगन के साथ खाने में दोस्तों अलग ही मज़ा आता। तो जो भी है दोस्तों जो खरीदना था वो मैंने खरीद लिया है, अब जा रहा हूँ घर। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।